Assalamu alaikum everyone. I am Sumbal Shahzad, teaching you political science, and today we are on the topic George Wilhelm Friedrich Hegel from the Western political philosophers. Who was he and what was his philosophy? Or what is his philosophy? We will see in this lecture, we will cover this in this lecture. Let's start with his life. हेगल जो थे वो रशिया में पैदा हुए थे और इन्होंने रेनेसांस का टाइम देखा था. ठीक है, रशिया जर्मनी का एक पार्ट था. जर्मनी जो है वो टूटा हुआ था एक टाइम में. रशिया था और एक और स्टेट थी. तो ये रशिया में पैदा हुए थे, उन्होंने रेनेसांस का टाइम देखा था. हम लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से बात की थी, डार्क एजेस थी, फिर रेनेसांस का टाइम था, फिर एनलाइटनमेंट का टाइम था. रेनेसांस में इन अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी लोगों को. तो ये उस टाइम के फिलोसफर हैं. इनकी जो बर्थ हुई है 27 अगस्त 1770 में हुई है. इनके फादर ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे. तो यू कैन से कि ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते थे. इसके अलावा इनकी अटैचमेंट जो थी वो हायर लोगों से थी. ठीक है, जो उस टाइम में समझने के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते थे. फिर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने ज्वाइन किया फॉर एजुकेशन, और 18 साल की उम्र में इसको ज्वाइन किया था और ग्रेजुएट हुए हैं. यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकले हैं. उन्होंने 8 साल तक एक ट्यूटर की तरह पढ़ाया है. जब ग्रेजुएशन हो गई फिर 8 साल ट्यूटर के तौर पर पढ़ाया. फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में प्रोफेसरी कर ली, वहाँ पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सैलरी नहीं मिलती थी इनको. 1793 to 1796 साल बनते हैं और उन्होंने पढ़ाया, वहाँ पे इनको सैलरी नहीं मिलती थी. फिर 1789 to 1799 जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जिसमें नेपोलियन जो है वो जर्मनी आया था. ठीक है, इन्होंने जर्मनी में नेपोलियन को फर्स्ट टाइम देखा था तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे उससे. ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि मैंने हिस्ट्री को घोड़े पे सवार देखा है, मतलब नेपोलियन की फॉर्म में. तो अब हुआ ये था कि जर्मनी ने फ्रांस से लड़ाई की थी, और जैना एक शहर है, जैना के लोगों ने लड़ाई की थी, तो उसे बैटल ऑफ जैना कहते हैं. तो ऑब्वियसली जर्मनी हार गया, तो जिस शहर में लड़ाई हुई थी उस शहर को बंद कर दिया नेपोलियन ने, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जैना भी बंद कर दी. ठीक है, बेरोजगार हो गए. फिर इन्होंने 1802 में अपना एक जर्नल पब्लिश किया, क्रिटिकल जर्नल ऑफ फिलोसफी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो गया था बहुत जल्दी, ज़्यादा नहीं चल सका. 1807 में इन्होंने एक बुक लिखी फिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के नाम से, जिसमें इन्होंने स्पिरिट के हवाले से बात की है. ठीक है, रूह क्या है, माइंड क्या है, स्पिरिट क्या होती है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने उसमें लिखी. स्पिरिचुअल फिलोसफर थे. फिर 1816 में इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक एक बुक लिखी, जिसमें इन्होंने अपना आइडिया दिया डायलेक्टिक्स का. ओके, और ये हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की तरह काम कर रहे थे उस टाइम पे. 1816 में इन्होंने एक और बुक लिखी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस. एंड देन 1818 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, एज अ हिस्ट्री प्रोफेसर, और वहाँ उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है. फिर 1820 में इन्होंने क्या लिखा है जी, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ द राइट्स दैट कंटेन्स हिज पॉलिटिकल फिलोसफी. ठीक है, और फिर इनकी डेथ हो जाती है 1831 में बर्लिन में, और ये बर्लिन में ही बरिड हैं. और 37 में इनकी डेथ के तकरीबन 6 to 7 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि इनके जो लेक्चर्स थे, ये जो देते होते थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, जिसको बहुत सारे लोग सुनने आते थे, तो उन लेक्चर्स को कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया है, जिसका नाम है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री. फाइन, तो बहुत ज़्यादा लोग हेगल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. बड़े दूर दूर से लोग हेगल के लेक्चर सुनने आते थे. और हमारा एक और वेस्टर्न फिलोसफर है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और हेगल की फिलोसफी पे ही उन्होंने अपनी एक फिलोसफी इस्तेमाल की है, जिनको हम नेक्स्ट देखेंगे इनके बाद. हेगल की फिलोसफी की कोर क्या बातें हैं, किन बातों पर बेस करें. सबसे पहले स्पिरिट का बहुत जिक्र आएगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस का जिक्र आएगा, फिर फ्रीडम का जिक्र बहुत ज़्यादा आएगा. देखते हैं कि क्या है इनकी फिलॉसफी.
अच्छा जी, पॉलिटिकल फिलोसफी में हमारे पास क्या चीजें हैं? कह रहे हैं कि हेगल जो है वो आइडियलिस्ट थे, कहते थे कि आइडिया जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। आप कुछ भी सोचते हो तो मैटर को उसके हिसाब से तरतीब देकर उस आइडिया को आप अलाइव करते हो, उससे प्रैक्टिकलिटी में लेकर आते हो, राइट? तो हेगल यही कहते थे कि आइडिया जो है ना वो अल्टीमेट रियलिटी है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, कभी ना कभी वो एक आइडिया थी पहले, उसके बाद वो वजूद में आई है। ओके, तो कहते हैं कि जो मैटर है वो एक्चुअली में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है इसके, इस मैटर के पीछे एक आइडिया है जिसने इसको इस फॉर्म में आने में मदद दी है। अगर आइडिया ही नहीं होता तो हम मैटर को इस फॉर्म में लेकर ही ना आते, ठीक है? और ये आइडिया क्या है, अभी इस आइडिया के बारे में कहते हैं ये स्पिरिट माइंड या कोई यीस्ट है, ठीक है, जीस्ट। तो क्या कह रहे हैं हेगल, अपने अल्फाज हेगल के खुद के, कि जो एक्चुअल है वो रैशनल है और जो रैशनल है वो एक्चुअल है। मतलब कि जो आपने सोचा वो कभी ना कभी असली रूप धार लेगा, और जो आपके सामने इस टाइम पे कोई चीज़ मौजूद है वो आपने कभी ना कभी पहले एक एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया सोची होगी या किसी ने सोची होगी, तभी तो वो अब एक्चुअल बनी है। तो इस तरह की इनकी कुछ फिलॉसफी है। अच्छा, अब तरतीब से आते हैं इनकी फिलॉसफी में, ये क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने बात की कि जी यूनिवर्स का स्टार्ट था, तब कुछ भी नहीं था। एज यू नो बिग बैंग थ्योरी में हम कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं था यूनिवर्स में, एक पिन हेड के जितना एक ज़र्रा था जिसके अंदर, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो फट गया था, ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद मैटर वजूद में आया। तो वी ऑल नो कि बिग बैंग थ्योरी से पहले, बिग बैंग होने से पहले कुछ भी नहीं था इस कायनात में, ठीक है, एम्प्टी यूनिवर्स था। तो हेगल भी वही बात कह रहे हैं कि एम्प्टी यूनिवर्स था, कोई मैटर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ माइंड या स्पिरिट था। मतलब आप समझ लें कि खुदा की जात थी, रब था, ठीक है, लेकिन हेगल ने उसको माइंड या स्पिरिट कहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वो जो माइंड था ना वो अनकॉन्शियस था, मतलब माइंड को पता ही नहीं था कि मेरे पास कितनी एबिलिटीज या कितनी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन लेकिन माइंड के पास एबिलिटी थी कि वो कॉन्शियस हो सके, वो अपने आप को समझ सके, अपने आप को जान सके, अपनी असलियत को पहचान सके, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस माइंड ने क्या किया, अपनी असलियत को पहचानने के लिए, कॉन्शियसनेस को हासिल करने के लिए अपने आप को अपने ऑपोजिट में चेंज कर लिया। देखिए, हमें अपनी अच्छाई या अपनी बुराई का तब तक नहीं पता लग सकता जब तक हमारे पास सामने एक स्टैंडर्ड मौजूद ना हो। अगर कोई इंसान हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, मौजूद है, तो हम तभी जानेंगे ना कि हम कितने अच्छे हैं, किस दर लायक कर रहे हैं, कितने बुरे हैं। तो वो यही कह रहे हैं, हेगल कह रहे हैं कि उस स्पिरिट ने अपने आप को समझने के लिए ना अपने आप को ही अपने ऑपोजिट में चेंज कर दिया, मतलब मैटर बना दिया, ताकि वो अपने हिडन पोटेंशियल्स को समझ सके कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, स्पिरिट। देन वो कह रहे हैं कि जी स्पिरिट जो है ना वो जैसे जैसे मैटर इवॉल्व होता गया, जस्ट लाइक वी कैन से कि वो पहले नबूला बना, फिर उससे स्टार्स, प्लैनेट्स, और फिर उन प्लैनेट्स के ऊपर आप समझ लें कि गैसेस बनी और ट्रीज बने, बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, फिर इस तरह की सारी चीज़ें बनती गई ना, तो मैटर उन चीज़ों में कन्वर्ट होता गया आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है। स्पिरिट ने अपने आप को कॉन्शियसनेस अचीव करने के लिए जो है इन सब चीज़ों में ढाला, लेकिन उसे कॉन्शियसनेस नहीं मिली। उसे कॉन्शियसनेस कब मिलना शुरू हुई, जब इंसान बना, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, इंसान सोच सकता है, बाकी और कोई नहीं सोच सकता। कोई जानदार, कोई जानवर, कोई पौधा इस तरह नहीं सोच सकता जिस तरह इंसान सोच सकता है, ठीक है। तो फिर इंसान ने क्या किया, सिविलाइजेशंस बनानी शुरू कर दी। तो जी हम बात कर रहे थे इंसान जब बना तो माइंड को कॉन्शियसनेस अचीव हो गई, ठीक है। अब इंसान ने क्या किया, वजूद में आने के बाद सिविलाइजेशंस बनाई, सोसाइटीज बनाई, स्टेट बनाई। तो जैसे जैसे इंसान प्रेजेंट और पास, मतलब पास से प्रेजेंट की तरफ मूव करता रहा, वैसे वैसे माइंड ने भी इंसानों के थ्रू ट्रैवल किया, ठीक है। और फिर उस जर्नी में उसने कुछ स्टॉपेजेस लिए, माइंड ने कुछ स्टॉपेजेस लिए, जिन स्टॉपेजेस को हम सिविलाइजेशंस कहते हैं,
इन सिविलाइजेशंस में हम देखते हैं कि केव्समैन हैं, ट्राइबल सोसाइटीज हैं, फ्यूडल सोसाइटीज हैं, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस हैं और प्रेजेंट वन है, ठीक है। तो जो है माइंड ने इन सब जगहों पे स्टॉप किया, स्टॉपेजेस ली, ठीक है। तो जैसे जैसे इंसानों को नॉलेज मिलता गया ना, इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा या अपने अंदर डेवलपमेंट लेकर आया ना, वैसे वैसे स्पिरिट को भी कॉन्शियसनेस मिलती गई। अब स्पिरिट का एम टारगेट ये था कि उसे फुल कॉन्शियसनेस अचीव हो जाए, ठीक है। और ये कैसे होगी, ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू होगी, ओके। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या, हम बातें करी जा रहे हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए थी, लेकिन व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस? तो हेगल कह रहे हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस इज फ्रीडम, ठीक है। अब फ्रीडम इज द सेंस ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट ये देखना चाह रही है कि फ्रीडम होती क्या है, फ्रीडम है क्या, ठीक है। जब उसे कंप्लीट फ्रीडम मिल जाएगी तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगी, ठीक है। अब हेगल कह रहे हैं कि ये तब माइंड को पता लगेगा, स्पिरिट को पता लगेगा कि फ्रीडम असल में होती क्या है, जब सब इंसानों को पता लगेगा कि फ्रीडम है क्या, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द ट्रैवल ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। हिस्ट्री क्या है? स्पिरिट का सफर है पास्ट से प्रेजेंट तक, जो कि इसने खुद नहीं किया, इसने इंसानों के जरिए किया है, ठीक है। और इस सफर में उसने तीन मकामात पे स्टॉप किया है, ठीक है। अब वो तीन मकामात, वो तीन सिविलाइजेशंस हैं, वो तीन सिविलाइजेशंस कौन सी हैं? पहली ओरिएंटल सिविलाइजेशन है, पहला स्टॉप ओरिएंटल सिविलाइजेशन है, वो है जिसमें क्या था, एक इंसान फ्री था और बाकी सारे उसके स्लेव्स थे, जस्ट लाइक यू कैन से मोनार्की, जिसमें बादशाह था वो ऑल एंड ऑल था, वो एब्सोल्यूट सॉवरन था, नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, उसने ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों के काम करने थे और बाकी सारे उसके गुलाम थे, वो जो भी कहता था वो सबको मानना पड़ता था। तो ये चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री था। अब एक इंसान ने सिर्फ फ्रीडम एक्सपीरियंस किया, बाकी सब उसके गुलाम हैं, बाकी सब ने नहीं की। तो अब माइंड कुछ सीख रहा है, उसने कुछ सीखा लेकिन सब कुछ नहीं सीखा। दूसरी सिविलाइजेशन पे स्टार्ट होगी जब ये ख़त्म हो, तो वो थे ग्रीक सिटी स्टेट्स। एज यू कैन से कि जी ग्रीक सिटी स्टेट्स में कुछ फैमिलीज होती थी या कुछ लोग होते थे जो मिल के हुकूमत को चलाते थे, ठीक है। अब इन सिटी स्टेट्स में क्या था कि कुछ लोग जो कि अमीर थे वो रूलर्स थे और बाकी सारे जो थे वो उनके स्लेव्स थे, उनकी बात माननी पड़ती थी। तो सम रिच पीपल वर फ्री और अदर पीपल वर स्लेव्स ऑफ दीज पीपल, दीज रिच पीपल। तो जो स्लेव्स थे उनको तो फ्रीडम का पता ही नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा कुछ लोगों को फ्रीडम का एहसास है, उन्हें पता लग गया। तो इट वॉज द एडोलेसेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्ट्री की एडोलेसेंस थी। फिर तीसरी चीज़ क्या आई? तीसरी चीज़ कह रहे हैं हेगल कि ये मेरा वक्त है जिसमें मैं मौजूद हूँ। उस वक्त का नाम क्या है? पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप, जब तमाम लोग ही फ्री थे, ठीक है। अब जैसे आपने सुना है कि इसमें क्या हुआ था, डेमोक्रेसी आ गई है, मोनार्की को एक तरह से साइड पर कर दिया गया है और लोग जो हैं वो खुद से अपने ऊपर हुकूमत करने के लिए अपने हुक्मरान चुनते हैं और वो हुक्मरान एक वक्त के लिए आते हैं, फिर वो हुक्मरान जो है वो वापस जो है सब्जेक्ट बन जाते हैं और कुछ दूसरे लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, हुकूमत करते हैं। तो यू कैन से कि सब ही फ्री हैं रूल करने के लिए, रूल होने के लिए भी। तो हेगल कह रहे हैं ये फाइनल स्टेज है क्योंकि एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस्ड फ्रीडम, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री, कंप्लीट कॉन्शियसनेस मिल गई है इंसानों को भी और कंप्लीट कॉन्शियसनेस और फ्रीडम मिल गई है स्पिरिट को भी, स्पिरिट को भी समझ आ गई, ठीक है। तो हर सिविलाइजेशन जो है हेगल के मुताबिक अपने आप को तीन चीज़ों से जाहिर करती है, आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी, ठीक है। इन तीन चीज़ों से अपने आप को जो है वो जाहिर करती है। फिर क्या कह रहे हैं कि हेगल कह रहे हैं कि हर सिविलाइजेशन के एंड पे एक रहनुमा आता है या एक फिलोसोफर आता है जो कि अपनी फिलोसफी देता है और उसकी फिलोसफी अजीम तरीन होती है, फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। मतलब उस सिविलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए वो फिलोसोफर आते हैं। हेगल कहते हैं कि वो फिलोसोफर मैं हूँ, इस फाइनल स्टेज का वो फिलोसोफर मैं हूँ, मैं उन सब फिलोसोफर से बेहतरीन हूँ जो मुझसे पहले गुजर चुके हैं,
हेगल को तो नहीं पता था, उसके बाद भी कुछ और चीजें होने लगी हैं। उसने बताया कि जैसे मेरा वक्त है ये आखिरी वक्त है, इससे मजीद बेहतरी नहीं हो सकती। और जो है वो परफेक्शन आ गई है, सारा कुछ जो है स्पिरिट को समझ आ गया है, फ्रीडम एक्सपीरियंस कर लिया उसने। ठीक है, अब हम फ्रीडम की बात करे जा रहे हैं, तो फ्रीडम है क्या एक्चुअली में? तो जी हेगल के मुताबिक फ्रीडम ऐसा नहीं है, मतलब जो ट्रेडिशनल नेगेटिव डेफिनेशन है फ्रीडम की वो नहीं है। वो क्या है डेफिनेशन, ट्रेडिशनल नेगेटिव डेफिनेशन? नो रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्टेकल्स इन अचीविंग गोल्स। ठीक है, कि आप जो भी हासिल करना चाहते हो हासिल कर लो, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। ये ट्रेडिशनल नेगेटिव डेफिनेशन है, हेगल इसको निगेट कर रहे हैं। हेगल कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन, मतलब मेरे मुताबिक फ्रीडम क्या है, एक इंसान तब फ्री है जब वो अपने लिए अच्छे रैशनल गोल्स को सेट कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली में फ्रीडम क्या है, रैशनैलिटी है। ठीक है, फ्रीडम क्या है, रैशनैलिटी है, अकलमंदी है। तो हमारे पास दो डायमेंशन है फ्रीडम की, एक सब्जेक्टिव डायमेंशन है कि फ्री टू डिसाइड द गोल्स, आप कुछ भी अपने लिए सेट करो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कि ऐसे ही गोल सेट करना जो कि रैशनल हो, गुड हो फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल। तो ये फ्रीडम है, आप अपने नफ्स के गुलाम नहीं हो। ठीक है, अब रैशनैलिटी के बारे में क्या कह रहे हैं कि विद द बेस्ट ऑफ टाइम इंसान क्या करता है, गलतियां करता है, गलतियां करने के बाद वो चीज़ें सीखता है तो वो अकलमंद होता जाता है। ठोकर लगती है तो अकल आती है, कहते हैं ना हमारे मतलब के पाकिस्तान में, तो वो भी तकरीबन यही बात करें कि इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा। और हम जो है वो जब साइंटिस्ट पहली गलती करते थे तो उसको सुधार के नई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश करते रहते थे, और कोई 100-200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल चीज़ बनाना चाह रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते थे। तो आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स वी लर्न रैशनैलिटी। ठीक है, और दो चीज़ों को, दो अपोजिट चीज़ों को कंपेयर करके हम रैशनैलिटी तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हेगल की थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स थी। हेगल कहते थे, अब थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स समझाने लगी हूँ, उसकी स्लाइड मौजूद नहीं है, ये आप लिख लें। रैशनैलिटी क्या है, दो कॉन्ट्रोडिक्शन से मिलकर बनी है रैशनैलिटी। अब क्या होता है, हेगल ने कहा कि जी जब स्पिरिट है ना, स्पिरिट ने या आइडिया, ठीक है आइडिया है, वो कहते हैं कि ना वो आइडिया जो है ना वो एक थीसिस बन जाता है। ठीक है, थीसिस बन जाता है। अब उस थीसिस में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इस आइडिया की जो है ना थीसिस की कॉन्ट्रडिक्शन में एक दूसरा आइडिया आता है, दूसरी आइडिया को जन्म दिया जाता है जो कि उसका एंटी थीसिस होता है। तो कुछ लोग इस थीसिस के जो है सपोर्ट में होते हैं, कुछ एंटी थीसिस के सपोर्ट में होते हैं, और ये थीसिस और एंटी थीसिस की जंग चलती रहती है जबकि वो दोनों एक दूसरे में जम हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों थीसिस और एंटी थीसिस की जो नेगेटिव बातें होती हैं या जो ऐसी बातें होती हैं जो इरेशनल होती हैं, जो सही नहीं होती, जो झूठ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो दोनों में असल सच्चाई वाली बात है, रैशनल बात है, वो रह जाती है। तो सिंथेसिस हो जाता है, एक अरसे बाद नई चीज़ जो आती है वो सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस में थीसिस की और एंटी थीसिस की दोनों की पॉजिटिव रैशनल अच्छी बातें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब कहते हैं ये जो सिंथेसिस हमारे पास आया है ना, ये अब थीसिस बन जाता है। ठीक है, कुछ अरसे बाद इसको हम थीसिस कहते हैं, और इसके ऑपोजिट एक एंटी थीसिस आ जाता है। ठीक है, फिर दोबारा एंटी थीसिस और थीसिस की जंग चलती है, और फिर एक नई चीज़ जन्म लेती है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। और अगेन सिंथेसिस में उस थीसिस की और एंटी थीसिस की दोनों की प्रैक्टिकल बातें मौजूद होती हैं। तो कहते हैं हिस्ट्री जो है ना पास्ट से प्रेजेंट तक इसी तरह चली आ रही है, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। ठीक है, और ये हमें हिस्ट्री अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ लेके जा रही है। फाइन, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ लेके जा रही है। फिर हम सिर्फ उस अपनी गलतियां कर करके थीसिस और एंटीथीसिस की लड़ाई के बीच में हो के ना हम अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ पहुंच जाएंगे, और वो क्या होगा, वो अल्टीमेट रैशनैलिटी होगी। ठीक है, एज जो साइंटिस्ट हैं या साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा, तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स कर करके तो हम उस बात को प्रूव करते हैं,
अगर वो बात मतलब उसके अंदर जो भी हमारी हाइपोथेसिस में जो भी मसले मसाइल होते हैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते और हमारी हाइपोथेसिस ए टू जी बिल्कुल सही प्रूव नहीं हो जाती तब तक वो लॉ नहीं बनती, अदरवाइज वो थ्योरी रहती है। थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो थ्योरी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो हमारे पास अल्टीमेटली लॉ बन जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ हमें लेके जा रहे हैं एंटीथीसिस और थीसिस की लड़ाई। अच्छा, अब इन्होंने जो एक बुक लिखी थी ना फिलोसफी ऑफ राइट, उसमें ना उन्होंने मॉडर्न अपना कंसेप्ट जो है वो दिया था। इस बुक के 3 सेक्शन से उन्होंने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट राइट्स के बारे में बात की कि जी लोगों के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने मोरालिटी की बात की। अब मोरालिटी क्या होती है कि आपने अच्छी चीज़ें करनी है, बुराई से खुद को रोकना है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट राइट बताया उन्होंने, फिर मोरालिटी बताई, फिर तीसरी बात जो उन्होंने तीसरा सेक्शन दे दिया वो एथिकल लाइफ का सेक्शन था। अब एथिकल लाइफ के सेक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, हमारी फैमिली, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी स्टेट, ठीक है। फैमिली में क्या होता है, हम जो हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं देखते, हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं कि जी मेरा क्या है, मेरे बच्चे पढ़ जाएँ, मुझे तो मतलब एक वक्त का खाना मिल जाए लेकिन मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा लें, तो हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं फैमिली में। लेकिन लेट्स से फैमिली जो है थीसिस है, दूसरी साइड पे सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी हम नॉर्मली हम सिविल सोसाइटी में जब लोगों के दरमियान रहते हैं तो हम सेल्फ इंटरेस्ट को परसू कर रहे होते हैं कि कहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कहाँ मेरा बिजनेस रिलेशंस अच्छे रह सकते हैं, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम सेल्फ इंटरेस्ट को परसू कर रहे होते हैं। लेकिन ये हो गया आप समझ लें कि थीसिस फैमिली एंड थीसिस सिविल सोसाइटी। और जब हम इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट को भी और क्या समझ लें कि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर को भी मिलाते हैं, तो स्टेट बन जाती है जिसमें हम अपनी स्टेट के साथ लॉयल भी होते हैं और हम अपने पर्सनल जो है उनको गेंस को भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेट बन जाती है। स्टेट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ऊपर का इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि एक मुकद्दस चीज़ है हेगल की नज़र में, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट राइट और मोरालिटी, ये दोनों थीसिस और एंटीथीसिस, उनसे सिंथेसिस क्या बना एथिकल लाइफ, फिर एथिकल लाइफ में आगे तो फैमिली और सिविल सोसाइटी, थीसिस एंटीथीसिस और स्टेट क्या बना सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जो हुआ है हमारे पास स्टेट का, ये अल्टीमेट रैशनैलिटी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू हेगल, ठीक है। तो ये सारी जो है स्टेजेस दिए हैं उन्होंने, सेक्शंस दिए हैं, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिकल मेथड, ठीक है। और ईच स्टेज है उस पर हमें कुछ ना कुछ रैशनैलिटी मिल रही होती है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। फिर एंड पे स्टेट आ रही है। स्टेट जो क्या है, फुल्ली फ्री है, सबसे ज़्यादा रैशनल है, इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स बताए कौन कौन से, मोनार्की, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर के वाले से इन्होंने बताया कि जी लेजिस्लेचर में हम ऐसे ही लोगों को नहीं लेकर आते, हम ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे लाइक टीचर्स का ग्रुप हो गया, डॉक्टर्स का ग्रुप हो गया, इंजीनियर्स का ग्रुप हो गया या वर्कर्स का ग्रुप हो गया, तो हम इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं ताकि वो लोग जो है अपने इंटरेस्ट को परसू कर सकें स्टेट में, राइट। नेक्स्ट, अब ये हमारा ख़त्म हो गया हेगल। इस दफ़ा तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि 19 और 20 दोनों में एक ही क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट डिट्टो सवाल जो है आया है, कोई एक लफ्ज़ भी उधर का इधर नहीं किया, बस क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया। 19 में ये क्वेश्चन नंबर 1 था और 20 में ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, पेपर 1 के पार्ट 1 का। एग्जामिन द व्यू ऑफ द हेगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस to the realization of political maturity for the global human coexistence. तो बात है इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जी हेगेलियन स्पिरिट को अप्लाई करो और बताओ कि ह्यूमन ने अपने पास्ट से कुछ सीखा भी है या नहीं, उसे पॉलिटिकल मेच्योरिटी मिली भी है या नहीं, ये World War I, World War II और Cold War लड़ने के बाद उसने कुछ सीखा भी है कि नहीं, कि हमें अब पीसफुली रहना है, मेच्योर होकर रहना है ताकि हम आराम से सुकून से एक दूसरे के साथ रह सकें, वरना तो बस अब एटॉमिक बम ही चलेगा और सब मरेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें ये सॉल्व करें, और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे सेंड करें और मैं चेक करके आपको बता दूंगी कि ये ठीक भी है कि नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।